भारतीय सेना की ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट साहस और बलिदान का प्रतीक है। 1778 में स्थापित उनकी कहानी युद्ध की आग में शुरू होती है। शुरुआत में बॉम्बे ग्रेनेडियर्स के रूप में जाने जाते थे, उन्होंने जल्दी ही एक दुर्जेय प्रतिष्ठा अर्जित की। उनकी बहादुरी एंग्लो मैसूर, एंग्लो मराठा और सिख युद्धों में स्पष्ट थी। हर लड़ाई ने उनके बढ़ते किंवदंतियों में इजाफा किया। उन्होंने नई रणनीति और हथियारों को अपनाया, भारी बाधाओं के खिलाफ दृढ़ रहे। उनके बलिदानों ने भविष्य की जीत की नींव रखी। शुरुआती लड़ाइयों ने एक ऐसी भावना पैदा की जो आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। इस अवधि ने ग्रेनेडियर्स को एक कुलीन लड़ाकू बल के रूप में आकार दिया। वीरता और अटूट साहस की उनकी विरासत जीवित रही। विश्व युद्धों के दौरान ग्रेनेडियर्स की वीरता सीमाओं को पार कर गई। उन्होंने यूरोप से उत्तरी अफ्रीका तक मित्र देशों की सेनाओं के साथ मिलकर विशिष्टता से लड़ाई लड़ी। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में उनके बलिदानों ने उन्हें कई सम्मान दिलाए। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में ग्रेनेडियर्स की भूमिका इतिहास में दर्ज है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन ने रेजिमेंट को विभाजित होते देखा, फिर भी उनकी भावना अटूट रही। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट के पास नायकों का एक गौरवशाली वंश है। 1971 के युद्ध में लांस नायक अल्बर्ट एक्का की कार्रवाइयां ग्रेनेडियर भावना का उदाहरण देती हैं। उन्होंने अकेले ही दुश्मन के मशीन गन पोजीशन को नष्ट कर दिया, जिससे उनकी कंपनी के आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद एक्का अद्वितीय साहस के साथ लड़ते रहे। उनकी अद्वितीय बहादुरी ने उन्हें परमवीर चक्र दिलाया। एक्का की कहानी हर ग्रेनेडियर के लिए प्रेरणा का काम करती है। कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन अनुज नैयर की वीरता ग्रेनेडियर्स की वीरता का एक और प्रमाण है। रणनीतिक ऊंचाइयों पर फिर से कब्जा करने का काम सौंपा गया। नैयर ने असाधारण नेतृत्व और साहस का परिचय दिया। उन्होंने दुश्मन के बंकरों को निष्क्रिय करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, जिससे उन्हें महावीर चक्र प्राप्त हुआ। नैयर की विरासत आज भी पीढ़ियों को प्रेरित करती है। वीरता के लिए सम्मानित ग्रेनेडियर्स के सम्मान और वीरता। ग्रेनेडियर्स की वीरता को कई सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा गया है। रेजिमेंट ने भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान 3 परमवीर चक्र अर्जित किए हैं। उन्हें 11 अशोक चक्र, 8 महावीर चक्र और अनगिनत वीरता पुरस्कार मिले हैं। ये सम्मान ग्रेनेडियर्स के अटूट साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण को दर्शाते हैं। वे उत्कृष्टता के प्रति रेजिमेंट की प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। ग्रेनेडियर्स की बहादुरी युद्धकालीन स्थितियों तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने उग्रवाद विरोधी अभियानों और शांति स्थापना मिशनों में लगातार उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उनके व्यावसायिकता और समर्पण ने उन्हें वैश्विक पहचान दिलाई है। ये प्रशंसाएं आने वाली पीढ़ियों को रेजिमेंट की वीरता की विरासत को कायम रखने के लिए प्रेरित करती हैं। शांति के रक्षक आधुनिक अभियानों में ग्रेनेडियर्स। युद्ध के मैदानों से परे ग्रेनेडियर्स शांति और स्थिरता के प्रतीक बन गए हैं। उन्होंने दुनिया भर में संयुक्त राष्ट्र के कई शांति स्थापना मिशनों में भाग लिया है। श्रीलंका के जंगलों से लेकर सोमालिया के रेगिस्तानों तक उन्होंने विशिष्टता के साथ सेवा की है। भारत के भीतर उग्रवाद विरोधी अभियानों में ग्रेनेडियर्स की भूमिका समान रूप से सराहनीय है। उन्हें विभिन्न संघर्ष क्षेत्रों में तैनात किया गया है, जिससे स्थानीय आबादी का विश्वास अर्जित हुआ है। अस्थ वॉलेटाइल क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने की उनकी क्षमता उनके प्रशिक्षण और अनुशासन का प्रमाण है।
ग्रेनेडियर्स को शांति के राजदूत के रूप में देखा जाता है, जो वैश्विक सुरक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक स्थायी विरासत, भारत और दुनिया पर ग्रेनेडियर्स का प्रभाव। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट अटूट साहस, बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण का प्रतीक है। उनकी कहानी भारत के सैन्य इतिहास का एक अभिन्न अंग है। उनकी विरासत युद्ध के मैदान से परे है, जो पीढ़ियों को वीरता और निस्वार्थता की कहानियों से प्रेरित करती है। भारत की सुरक्षा में ग्रेनेडियर्स का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने देश की सीमाओं और हितों की लगातार रक्षा की है। ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट सिर्फ एक लड़ाकू बल से कहीं अधिक है। वे शांति के रक्षक और साहस के प्रतीक हैं। उनकी विरासत प्रेरित करती रहती है हमें हमारी स्वतंत्रता और मूल्यों की रक्षा के लिए किए गए बलिदानों की याद दिलाती है।